नमस्कार, हर हर महादेव। आज भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बुरी खबर है, और मतलब क्या कहें, कह नहीं सकते हैं हम लोग। अगर गाना गाने आए हैं स्टूडियो में तो गाने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आगे किया क्या जाए। लेकिन इतनी बुरी खबर भोजपुरी इंडस्ट्री से निकल के आ रही है कि आकांक्षा दुबे, जो भोजपुरी की बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस थी, और उन्होंने आज सुसाइड कर लिया है बनारस में सारनाथ होटल में। ऐसा खबर आ रहा है कि पंखे से लटक के फांसी लगा ली है। तो अंदर से मतलब आवाज भी नहीं आ रहा है, हाथ देह सब कांप रहा है कि मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री भी अब बॉलीवुड इंडस्ट्री के रास्ते पे चल रही है। पहले हम लोगों को सुनने को मिलता था कि बॉलीवुड में लोग सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन अब भोजपुरी में भी चलने लगा। आज जो एक्ट्रेस इतने ऊपर लेवल पे जा रही थी, एकदम अब मतलब वन नंबर पे थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया। कारण क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी बोल भी रहे हैं तो साला आवाज कांप रहा है हमारा। तो हम लोग बस दो मिनट का मतलब इसके लिए हम का कुछ भी बोले तो साला समझे भी नहीं आ रहा क्या बोले। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि यूपी सरकार से मतलब रिक्वेस्ट है कि इसका पता लगाया जाए कि आखिर क्यों है। मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसी होंगी, ऐसी थी कि सुसाइड कर लेंगी, फांसी लगा लेंगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है जितना मैंने उनको देखा है या समझा है। बाकी उनका पर्सनल लाइफ क्या था इसके बारे में तो मुझे कोई खबर ही नहीं है, पर ये इतना कहना चाहती हूँ कि उनका जो करियर था, क्योंकि इंसान निराश तब होता है जब करियर बहुत ज्यादा खत्म होता है, खराब होता है, लेकिन उनका करियर बहुत पीच पे था और बहुत अच्छा है। आज ही कल पवन जी के साथ उनका गाना आ रहा है, गाना आ गया है, आज ही रिलीज हुआ है। अच्छा, आज ही बताइए, इतना अच्छा होने के बाद अभी फिल्म करके आई हैं वो, मंजुल ठाकुर सर की फिल्म की है, बनारस में भी फिल्म करने ही आई हैं वो, होटल में रुकी हुई थी। ऐसा क्या हो गया कि जिसके कारण उनको फांसी लगानी पड़ गई? तो मेरे को ये ठीक नहीं लग रहा है। बस इतना ही है कि इसका पता लगाना चाहिए और छानबीन होनी चाहिए यूपी सरकार से। बस इतना ही रहेगा पुलिस से कि आप अच्छे से मतलब उसको जानकारी दे हम लोग को भी कि ऐसा क्या उनके साथ हुआ, और जो भी हुआ उनको सजा मिलनी चाहिए। जो भी अगर ऐसा कुछ किया होगा लोग, या तो मेंटल से किया होगा लोग, नहीं तो फिजिकल जो भी हो, लेकिन सजा मिलनी चाहिए अगर ऐसा है तो। आप कुछ कहिए प्रतीक जी, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है क्या कहें। निशब्द है हम, और मतलब कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। मतलब हम लोग एक घंटे से बैठे हुए हैं और यही सोच रहे हैं क्या किया जाए। बहुत ही दुखद बात है भोजपुरी के लिए। आज हम लोग भोजपुरी के एक अच्छी एक्ट्रेस, मतलब एक जो जो भोजपुरी में वो रहता कि जो गंदा काम करता है, गंदा गाना गाता है, वो लोग मरता तो तनिक कम अफसोस होता। नहीं, अफसोस तो होता ही नहीं है, लगता है चलो एक आदमी कम हुआ, एक आदमी कम होगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत बहुत गंदे गाने गाने वाले लोग। कारण क्या है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सच्चाई सामने आना चाहिए कि आखिर रीजन क्या है। सच्चाई सामने आना चाहिए। कोई देखिए, कोई अगर अपर लेवल पे उतना मेहनत करके उस जगह पे पहुंचा है, गरीब घर की लड़की उस जगह पे पहुंची है, अचानक वो फांसी लगा ले, ऐसा मतलब मानना गलत है। मान नहीं सकते कि वो फांसी लगा सकती है। मतलब जो भी हो इसका सच्चाई, मेंटली टॉर्चर किया गया है कि क्या है क्या नहीं है, सब पता चलना चाहिए। सच्चाई मतलब ये हम लोग इसलिए वीडियो नहीं बना रहे हैं कि व्यूज जाए, ये जाए, वो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बस मन दुख है, एकदम दुखित है मन। बस माता रानी से यही प्रे करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और जहाँ भी है वो बस मतलब खुश रहे। मतलब सुशांत सिंह का भी जब सुनने को आया तो रोआ खड़ा हो गया था। अगर भोजपुरी की इतनी अच्छी अच्छी एक्ट्रेस खुद को फांसी लगा ले, देखिए जिंदगी में हर इंसान को लड़ना होता है, और सब परिस्थिति में जो इंसान लड़े वो ताकतवर होता है। मानते हैं कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, तो अभी बहुत सारी एक्ट्रेस है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि खुद को फांसी लगा ले। फांसी लगाना हर एक चीज का निदान नहीं होता। हमको नहीं लगता है कि वो फांसी लगाई हो, कहीं कोई लगा भी दिया हो, लटका भी दिया हो। देखिए ऐसा 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 इसलिए ध्यान पे जा रहा है ना, आप लोग बोलेंगे ऐसा क्यों बोल रही है आप, चाहे हम लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि सुशांत सिंह के साथ भी ऐसा हुआ था। हम लोग को लगा था कि वो फांसी अपने से लगाए, सुसाइड किया, लेकिन उनको मारा गया, लेकिन उनको मारा गया था। तो उसी तरह से थोड़ा शक तो लग ही जाता है ना कि हो सकता है। देखिए जो इंसान फांसी लगा सकता है ना, वो मतलब फांसी लगाना कोई हर कोई नहीं लगा सकता है। नहीं, बिल्कुल भी अपना नहीं। अपना मौत लोग खुद नहीं कर सकता है। कोई टूटता है तब ऐसा कदम बढ़ाता है, लेकिन ऐसा नहीं था, देखने में तो नहीं लग रहा था ऐसा। का कोई कारण ही नहीं था, उनका करियर भी सब चीज बढ़िया था। ये नहीं था कि हमको काम नहीं मिल रहा है तो ये नहीं मिल रहा है, सब चीज बढ़िया था। अचानक ऐसा मतलब बहुत बहुत ज्यादा दुख है। अब क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी तो पता लगाना, अब खुद ही पता चल जाएगा कि क्या है। धीरे धीरे सब पता चलेगा, और उसके बाद जो भी ऐसा किया हो उसको सजा मिलनी चाहिए। सजा उसको भरपूर मिलना चाहिए, कोई कमी नहीं। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत ही दुख की बात है। मतलब हम मोबाइल पकड़े हैं तो हथवा हमारा कांप रहा है। हम लोग सब लोग रिकॉर्ड करने के लिए बैठे, गाना रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठा, अचानक ऐसा खबर आया, ऐसा खबर पता चला तो उसके बाद हम लोग ऐसे नहीं कि ऐसे ही वीडियो बना रहे, सब पता किए तब बना रहे।
और वीडियो बनाना केवल व्यूज के लिए नहीं बना रहे, हम लोग अपनी दुख व्यतीत कर रहे हैं कि मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में ये सब हो क्या रहा है, और ये सब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। लड़कियों को, हर लड़की को मजबूत बनना होगा, जितनी भी हमारे भोजपुरी में लड़कियां हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, जो अच्छे लेवल पे काम कर रही है, अपनी जिंदगी से लड़िए। सब इंसान लड़ता है जीवन से, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम होती है, पर वो प्रॉब्लम की तरफ ध्यान मत दीजिए, आप देखिए कि आप में फायदा क्या है आपके लाइफ में, उस पे ज्यादा आपके आगे पीछे आपके माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, पूरा समाज है जो आपको चाहता है, जो आपको मानता है, उनके लिए जिया करिए। हर इंसान के जीवन में प्रॉब्लम, इंडस्ट्री सब कुछ नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री में बस आते हैं लोग, जाते हैं लोग, लेकिन फैमिली अपनी है वो हमेशा रहती है। अगर कुछ उतार चढ़ाव भी आता है करियर में तो अपने फैमिली का सपोर्ट लेना चाहिए ताकि समझ में आए, बस इतना ही है। चलिए ठीक है, जय हिंद। बहुत बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, हम लोग यही प्रे करेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और ऐसा आगे से खबर, अब की हुआ जो भी हुआ, आगे से ऐसा खबर ना मिले हम लोगों को, हम नहीं सुनना चाहते हैं इंडस्ट्री के लिए। हर एक लड़कियों से हम कहना चाहते हैं, लड़की हो चाहे लड़का हो, खुद के जीवन से खूब लड़िए, आप अपने से लड़िए, फांसी वासी हर चीज का निदान नहीं, ये निर्णय लेना फांसी का या सुसाइड का बहुत ही गलत चीज़ ये है। बहुत गलत चीज है, ये नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि आगे से ऐसा हमारे इंडस्ट्रीज में कोई ये कदम नहीं उठाएगा, बहुत ही मन बैठ सा गया है, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही, हम लोग सभी बैठे हैं, मतलब बहुत अफसोस हो रहा है ये चीज की, इतनी बहादुर लड़की इस तरह का कदम कैसे उठा सकती है। छानबीन होना चाहिए, पक्की जानकारी होनी चाहिए, तो उम्मीद है कि सरकार इस पे काम करेगी। चलिए, यूपी सरकार काम करते भी है, यूपी सरकार से विनती है कि पूरे अच्छे से इसकी जांच पड़ताल हो, जो दोषी है उसको सजा दिवाए, सजा का गाड़ी उड़िए पलट दीजिए योगी जी, ऐसा लोग का जरूरत नहीं है, किसी के वजह से अगर ये चीज हुआ है तो उसको दौड़ा के गोली मारिए। कहे कि भोजपुरी इंडस्ट्री का एक नायाब लड़की जो कि बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस थी, उसको अब क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी कोई विवाद नहीं, कभी ऐसा अपने काम से काम मतलब रखना, अच्छा काम करना, अच्छा काम देना, यही हम लोग देखते आ रहे हैं। हम सुने नीचे से आई थी बेचारी, अपने खुद के बदौलत आज इस मुकाम पे पहुंची थी, अपने एक्टिंग के दम पे, किसी के तलवे चाट के नहीं। तो ऐसे लोग मरते हैं ना तो यार बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख की बात। उनको भावपूर्वक संध्यांजलि है हम सबकी तरफ से, बस उनकी आत्मा को शांति मिले। जय हिंद।